बिहार में अब नीतीश कुमार की बादशाहत खत्म होने वाली है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि प्रदेश में उसकी पार्टी का ही सीएम बने। इसके लिए फॉर्मूला तय किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा में भी लोकसभा की तरह बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लालू के साथ गठबंधन में भी नीतीश कुमार ने यह फॉर्मूला तय किया था, लेकिन तब लालू प्रसाद ने नीतीश के चेहरे को सीएम पद के लिए आगे किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सूत्र बताते हैं कि दोनों पार्टियों का बारी बारी से सीएम बनेगा, मतलब पहले ढाई साल तक बीजेपी का सीएम होगा और अगले ढाई साल तक जेडीयू का। यही वजह है कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह के स्वागत में बिहार का सीएम कैसा हो, गिरिराज सिंह जैसा हो के नारे लगे थे। जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार की बेचैनी की वजह यही फॉर्मूला है, क्योंकि वो बड़े भाई की अपनी भूमिका छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन बीजेपी का मानना है कि आखिर कब तक वो नीतीश कुमार को सीएम बनवाते रहेंगे, उनको भी सीएम बनाने का मौका मिलना चाहिए। ये फॉर्मूला कुछ वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी तैयार कर रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से उन्होंने प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी के पास भेजा है, ताकि बीजेपी को चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अपने सीएम से कम पर तैयार नहीं होगी। अब फैसला नीतीश कुमार के पाले में है। एनडीए के साथ रहना उनकी एक तरह से व्यवस्था भी है, क्योंकि दूसरी तरफ लालू प्रसाद और उनके बेटे हैं, जिन्हें नीतीश छोड़ चुके हैं। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।